एचपीएम केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भारत की प्रसिद्ध कृषि रसायन कंपनी है, जो कि पिछले 40 वर्षों से सभी प्रकार के कृषि रसायन जैसे कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक और पौधों विकास सहायक उत्पाद बनाते हैं। बैंगन भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में उगाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय और प्रमुख सब्जियों की फसलों में से एक है। बैंगन का जन्म स्थान उत्तरी एशिया है। भारत इसका दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश है। भारत में 3.2 लाख हेक्टेयर में बैंगन की खेती लगभग 5 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ की जाती है। बैंगन के पौधे उगाते समय कीट पतंगे, तना और फल बेधक जैसी काफी समस्याएं आती हैं और फसल वृद्धि के साथ साथ अंगमारी, चुड़दा और दो धब्बे वाली स्पाइडर माइट भी बैंगन की खेती पर आक्रमण करते हैं। बैंगन की खेती पर आक्रमण करने वाले कीट मकड़ियां काफी विनाशकारी होते हैं, जो खेती के शुरुआती अवस्था से ही आक्रमण करते हैं और फसल के पोषण को नष्ट करते हैं। एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अपने उत्पादों द्वारा सभी किसानों को उपज के किसी भी चरण के दौरान कीटों, फफूंदों, तना, चुड़दा, अंगमारी एवं दो धब्बे वाली मकड़ियों के नियंत्रण में मदद करता है। बैंगन के पौधे लगाते समय मिट्टी में मौजूद कीट और फफूंद से होने वाली बीमारियां या पौधों के बढ़ते समय आक्रमण करने वाले कीटों से लड़ने के लिए एचपीएम उत्पाद काफी मदद करते हैं। बैंगन में रोग रोकथाम के लिए बीज को उपचारित करके बोना अति आवश्यक होता है। यदि फिर भी रोग लग जाए तो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। माइट किल सल्फाइट एस्टर ग्रुप का एक महत्वपूर्ण माइटसाइड है, जो धूम्र क्रिया द्वारा कीट पतंगों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। माइट किल का प्रयोग 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। वध नई पीढ़ी का एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड कीटनाशक है। इसका उपयोग बैंगन में तना और फल बेधक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। वध का प्रयोग 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ के लिए करें। एक्सपर्ट का उपयोग कुछ घंटों के भीतर ही पौधों को नुकसान से बचाता है। एक्सपर्ट स्प्रे के उपरांत कुछ समय के अंदर ही लार्वा को खत्म करने की प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। इसका प्रयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ पर करें। राइज का उपयोग सफेद मक्खी को पैरालाइज कर देता है। इसका असर 3-4 दिनों तक रहता है, जब तक कीट मर नहीं जाते। पहली बार उपयोग के बाद कीट की उपस्थिति के आधार पर 14 से 21 दिनों के अंतराल में दूसरा स्प्रे करें। इसका प्रयोग 240 ग्राम प्रति एकड़ पर करें। रोगोहिट बैंगन के पौधों में तना भेदक कीट जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत उपयोगी उत्पाद है। रोगोहिट का प्रयोग 264 मिलीलीटर प्रति एकड़ पर करें। बैंगन की वृद्धि के समय फफूंद जनित रोगों से लड़ने के लिए सबसे बेहतर उत्पाद जेड सेफ्टी है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जिंक होती है, जो अंगमारी जैसी बीमारियों से बैंगन के पौधों को बचाती है। जेड सेफ्टी का प्रयोग फफूंद लगने से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। इसका प्रयोग 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ पर करें। बैंगन की वृद्धि की अवस्था में एचपीएम गोल्ड एक अद्वितीय उत्पाद है, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो पोषक तत्वों के अधिक उपयोग में मदद करते हैं और पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह दो खुराक में प्रयोग किया जाता है। पहली खुराक में बेसल बुआई और 25-30 दिनों में स्थायी फसल में दूसरी खुराक के रूप में उपयोग करें। पौधे के फूल आने की अवस्था में समृद्ध वृद्धि के लिए 24 कैरेट का उपयोग करना अति महत्वपूर्ण है, जो कि समुद्री शैवाल युक्त पौध उपज सहायक उत्पाद है। इसका प्रयोग 1.2 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर के बीच प्रति 1 लीटर पानी में करें। फसल की समुचित वृद्धि, खरपतवार, कीट व फफूंद जनित रोगों के उचित नियंत्रण से लड़ने के लिए बताए गए सभी कृषि रसायनों के साथ एचपीएम का आसरा मिलाकर छिड़काव करें। इसकी अनुशासित खुराक 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के साथ है। फल आने के बाद 5 से 7 दिन में फल तोड़ना शुरू कर देना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को अच्छी पैदावार और भाव मिल सके। सावधानी, कृपया दवाई का घोल बनाते एवं छिड़कते समय सुरक्षात्मक वस्त्र अवश्य पहने एवं स्प्रे के दौरान मुंह ढकने के मुखौटे मास्क का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए उत्पाद के साथ दिए गए पत्रक को अवश्य पढ़ें।